हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इजी एंड एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इसको जो है हमने स्टडी करना है इस टॉपिक में। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगी। बेसिकली ये एनर्जी का रिलेशन बताएगी हमें विद इन द एटम। ये एनर्जी जो एनर्जी रिलेशन जो होगा जो हम अभी प्लांक्स की क्वांटम की थ्योरी में पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये हमें हेल्प आउट करेगी बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो कि हमारा नेक्स्ट और मेन टॉपिक है जिसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह जो हैं हम स्टडी करेंगे। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो होती है ये बेसिकली जो चीज़ को बताती है वो ये है कि किसी भी चीज़ में से जो रेडिएशंस हैं उनकी एमिशन के वो किस तरीके से निकलेंगी और एब्जॉर्प्शन। जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलेगी एमिट होगी या उसमें एब्जॉर्ब होगी तो उसके साथ एनर्जी के जो चेंजेस आएंगे वो चीज जो है हमने स्टडी करनी है एनर्जी चेंजेस। तो हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस। अब 1900 के अंदर जो है मैक्सवेल प्लांक वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको जो है इस थ्योरी को फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया। अब ये थ्योरी कहती क्या है? थ्योरी ये कहती है कि आपके पास जो ओवरऑल इसकी अगर हम इसको जनरलाइज टर्म्स के अंदर डिस्कस करें अभी हम आगे इसके पॉइंट्स तो स्टडी करेंगे। जनरल जो आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में नाम सुन के आपके जहन में आना चाहिए वो ये है कि एनर्जी जो होती है किसी भी चीज़ में मौजूद वो ट्रेवल करती है इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर। डिसकॉन्टिन्यूअस मैटर मैनर का क्या मतलब है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली किसी भी चीज में से निकलती या एब्जॉर्ब नहीं होती रहती। ये एक डिसकंटिन्यूअस मैटर है। ये जब भी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स निकलेगी। कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो कि बाहर निकल जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। दीज पैकेट्स आर द डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स का क्या मतलब है? डिस्क्रीट यूनिट्स का मतलब होता है वो चीज जो कि अपने आप में एक अपनी एक कॉन्टिन्यूस उसकी कोई वैल्यू हो। जैसे एक पैक होता है एक अपनी शख्सियत या अपनी जो सी आइडेंटिटी है उसको जो चीज़ मेंटेन करे उसके लिए डिस्क्रीट वर्ड यूज होता है। एक प्रॉपर यूनिट की शक्ल में पैकेट्स की शक्ल में जो है वो एनर्जी निकलती है और उसने इस पैकेट को नाम दिया क्वांटम का। फॉर वन पैकेट एंड फॉर प्लूरल है क्वांटम का क्वांटा। जैसे बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है इसी तरह क्वांटम का यूनिट है क्वांटा। तो ये जो जनरल थ्योरी आपके प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी कि एनर्जी जब भी ट्रेवल करेगी वो पैकेट्स की शक्ल में करेगी और डिस्क्रीट यूनिट्स की शक्ल में करेगी जिसको उसने नाम दिया क्वांटा का। तो अब हम चलते हैं इसकी पोस्टुलेट्स की तरफ वन बाय वन जो कि पोस्टुलेट्स ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हैं। नंबर वन सबसे पहला पॉइंट जो प्लांक ने डिस्कस किया था दैट वाज कि एनर्जी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस ली एब्जॉर्ब या एमिट होगी। ठीक है जी। एनर्जी जो सी है कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती जबकि ये किस शक्ल में जो सी है एब्जॉर्ब या एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। ये जनरल और पहला और बेसिक तरीन जो है वो पोस्टुलेट है। अब द
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटा और हर क्वांटा जो है वो एसोसिएटेड है विद डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जी। एनर्जी जो है आपके पास वो चेंज होगी तो क्वांटा भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक पैकेट के अंदर सेम एनर्जी नहीं होगी। ये नहीं है कि डिस्क्रीट यूनिट जो उनसे हैं वो सेम एनर्जी के निकलें, वो उनमें एनर्जी तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो निकलेंगे पैकेट्स की शक्ल में ही, एब्जॉर्ब या एमिट जो है वो क्वांटा की फॉर्म ही में होंगे। फिर वो एग्जाम्पल देता है लाइट के केस में। लाइट क्या है? लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट की शक्ल में जो चीज़, जो क्वांटा, जिन पैकेट्स की शक्ल में एनर्जी निकलती है दैट इज़ कॉल्ड फोटोन। या आप लोग फोटोन से रिलेटेड सारी डिटेल अपनी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, इसमें भी आगे चल के कुछ डिटेल आएगी। फोटोन वो बेसिक यूनिट होता है एनर्जी का, जिसकी शक्ल में लाइट में जो एनर्जी है वो फोटोन की शक्ल में होती है। फोटोन इज़ बेसिकली द क्वांटा और द पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि लाइट के फॉर्म ऑफ एनर्जी में एग्जिस्ट करता है। तो ये वो बता रहा है कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है डिफरेंट पैकेट्स के अंदर। तो ये तो था इसका पहला पोस्टुलेट। नंबर टू, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जोन सा है वो हम आते हैं। वो कहता है जी एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर, एक भी क्वांटम की एनर्जी जो होगी क्वांटा की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अगर एक वेव है या रेडिएशन है जिसके अंदर एनर्जी है तो हमें उसकी एनर्जी का हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर मौजूद एनर्जी जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, हम अगर पुरानी चीज़ को डिस्कस करें कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड किसी एक पॉइंट पर। एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड में से पास करेंगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी विल बी एसोसिएटेड विद दैट रेडिएशन। तो ये था आपके पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी की मैथमेटिकल फॉर्म, जिसको अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा एनर्जी को ई से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड फ्रीक्वेंसी को वो इससे शो कर रहा है। दिस इज नॉट सिंपल वी, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आप इसको जब लिखें तो इस तरीके से कोशिश करें कि इसको मैंशन करें, इट इज नॉट सिंपल वी, इट इज दिस। अब इसको जब भी आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप चेंज करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है जो कि इस केस में एच है। तो ये आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जनरल इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू एच वी। अब बात कर लेते हैं एच की। एच क्या है? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। साइंटिस्ट के अपने नाम पर ही ये कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ये आपको इसकी वैल्यू जो सी है ये अजबर याद होनी चाहिए, और इसकी इसके यूनिट जूल सेकंड। बेसिकली ये है क्या? ये है, अब अगर ई इज इक्वल टू एच वी है तो मैं यहाँ से एच को अगर सेपरेट करूँ तो इट इज एच ई ओवर वी। तो यहाँ से एच की जो डेफिनेशन मेरे पास आती है वो ये है कि इट इज द रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन को मैं ले लूं उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू ये होगी।
तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और हमने प्लांक्स के कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया. गोइंग नेक्स्ट इज नंबर 3, विच सेज कि अब बेसिकली अगली पोस्टुलेट में क्या करेगा, इसमें E इज इक्वल टू एच वी को डिफरेंट मजीद टर्म्स के साथ जो है रिलेट करने की कोशिश करेगा. अब आपको पता है कि प्लांक्स ने कहा E इज इक्वल टू एच वी, राइट. अब अगर आपको याद हो अपनी मैट्रिक क्लासेस में वेव वाले टॉपिक में, या बेसिक फार्मूला है जो आपको याद होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. V वेलोसिटी होती थी किसी भी वेव की, F इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. सही है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ. अब होता क्या है, रेडिएशन के केस में वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. जैसे कि लाइट है तो लाइट की स्पीड को हम कांस्टेंट सी से लिखते होते हैं, तो यहां पे वी को रिप्लेस कर दूंगा मैं सी से. एफ फ्रीक्वेंसी है ये वाली, दिस इज द एफ, तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगी और लैम्डा वैसे ही. तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. ये वैल्यू जब उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो E की प्लांक्स इक्वेशन जो थी वो मेरे पास बन जाएगी, दैट वुड बी एच सी ओवर लैम्डा. तो यहां से मेरे पास E एनर्जी एंड वेवलेंथ, इसका रिलेशन भी मेरे पास जो सा है वो आ गया इस इक्वेशन से, इस न्यू इक्वेशन से. और वो रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ. इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. इसका मतलब क्या है कि जितनी किसी वेव की, किसी रेडिएशन की एनर्जी इज ज्यादा होगी, हायर एनर्जी लोअर इज द वेवलेंथ, उसका जो लैम्डा है वो कम होगा. तो यहां से आपके पास ये रिलेशन भी आपको इजीली याद रहना चाहिए कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है. किसी भी वेव की अगर वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ होती क्या है, इट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन, ये सारी बात आपको पहले से पता है लेकिन मैं रिकॉल करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ एनी वेव. किसी भी वेव के अंदर जो मौजूद दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, अगर ये एक वेव है तो इसमें ये जो से हैं, दीज आर द क्रेस्ट एंड द ट्रफ्स, तो इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दो कंसेक्यूटिव के एडजेसेंट के साथ साथ आने वालों के, ये वेवलेंथ कहलाता है. और लाइट के केस में हम बेसिकली रेडिएशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो रेडिएशन के केस में इसकी जो लेंथ के यूनिट्स होते हैं नॉर्मली वो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर के अंदर होते हैं. अब एंगस्ट्रॉम ये आपको पता होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 meters, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 meters, एंड 1 picometer इज इक्वल टू 10^-12 meters. ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो आपको मैट्रिक की क्लासेस में भी याद करवाए गए थे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, और आपको वैसे भी मालूम होने चाहिए. एंगस्ट्रॉम इज न्यू दो. ये वेवलेंथ लाइट के केस में इसकी वेवलेंथ के यूनिट्स ये होते हैं, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी जो है उसकी ज्यादा होगी. तो ये एक नई शक्ल जो है हमारे पास आ गई. अब यहाँ से हम एक और शक्ल को ड्राइव करने जा रहे हैं. अभी जो लेटेस्ट फॉर्म हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की है वो ये है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. अब यहाँ पे एक नई डेफिनेशन वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, विच इज कॉल्ड वेव नंबर.
वेव नंबर की डेफिनेशन आप याद रखें, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड एज द वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से, जो फ्रीक्वेंसी वाला वी था उसके ऊपर बार डाल दें तो ये अब वेव नंबर कहलाएगा, एंड इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, वन ओवर लैम्डा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं ई इज इक्वल टू एच सी वन ओवर लैम्डा तो एक ही बात है, और ये वन ओवर लैम्डा को मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो मेरे पास जो नई प्लांक्स की इक्वेशन की शक्ल आएगी वो कुछ ऐसी होगी, ई इज इक्वल टू एच सी एंड वी। इसमें अब तीन चीजें हैं, एच सी एंड वी बार। एच इज कॉन्स्टेंट, प्लांक कॉन्स्टेंट है ये। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट नॉर्मली। वी बार जो है ये वेव नंबर है। इससे पता चला हमें कि वेव नंबर का एंड एनर्जी का हैव रिलेशन इज डायरेक्ट। तो ये वेव नंबर जो है हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे अपने डिफरेंट टॉपिक्स में भी, हम इसको स्टडी देखेंगे कि जितना ज्यादा वेव नंबर होगा उतनी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो वेव नंबर यहाँ पे उसने इसीलिए मेंशन कर दिया है कि ये आगे चल के इस्तेमाल होगा। तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के जो उनसे पोस्टुलेट्स थे वो ये थे कि किसी भी एनर्जी जो निकलेगी, लेट मी समराइज द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, वो कहता है जी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली नहीं निकलती, पैकेट्स की शक्ल में निकलती है, और उसकी इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू एच वी। एच फ्रीक्वेंसी, एच उसका प्लांक्स कांस्टेंट है, वी उसकी फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, और ई जो है एनर्जी है। फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ सी एंड लैम्डा लिखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और फिर हमने वन ओवर लैम्डा को वेव नंबर की शक्ल में लिखा तो हमारे पास एक नई जोनसी है वो शक्ल जोनसी है वो बन गई। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे हमने स्टडी की हैं, ऑल दीज पोस्टुलेट ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसी एक्सप्लेनेशन को वो बताएगा कि क्यों आपके जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रिमूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मूव करते हैं इन सर्कुलर डायरेक्शन। तो इसको एक्सप्लेन करेगी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और मॉडल होगा बोहर का। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट टाइम हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे और उसकी डेरिवेशंस की तरफ हम जाएंगे।